फाइनली गाइस टिकटॉक एप्लीकेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में बैन हो गया तो हम कौन सी एप्लीकेशन इंडियन ऐप यूज करें। आज के वीडियो में हम आपको रोपोसो ऐप के बारे में बात करेंगे, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और इस एप्लीकेशन पे वीडियो को कैसे अपलोड करना है जो कि टिकटॉक एप्लीकेशन की तरह सेम ऐप है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइस आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है रोपोसो ऐप। तो मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद फर्स्ट वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं भी इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो सिंपल आपको मैं सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। रोपोसो ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे हम ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। सिंपल आपको सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश। तो सिंपल मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप्स करना है, तो मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी जाएंगे, तो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आ चुका है। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं रोपोसो ऐप में हमारा लॉगिन हो चुका है। सिंपल आपको करना क्या, इसे हम कट करते हैं। कट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लाइक्स है, शेयर है, इसके बाद डाउनलोड कितने व्यक्ति किए हैं, तो सारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहली बात में बात करता हूँ इस पर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, करते हैं सेटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम टाइप्स करना है। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यदि आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक का यदि लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल शैलेंद्र के नाम से मैंने यहाँ पे अकाउंट बना चुका हूँ। इसके बाद सिंपल इसे सेव करते हैं। तो इस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपको वीडियो अपलोड कैसे करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है कैमरा का, सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो वीडियो डायरेक्ट यहाँ से भी शूट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने ऑलरेडी शूट करके रख चुके हैं गैलरी में तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सिंपल आपको एल्बम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसके बाद जो भी वीडियो आपने शूट कर चुके हैं वीडियो को सिंपल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, इसके बाद डन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो जो हमारा है सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। सिंपल आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे हैशटैग में यूज कर लेता हूँ। सिंपल फर्स्ट हैशटैग वायरल यूज कर लेता हूँ, सेकेंड में ट्रेंडिंग यूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको 4 से 5 हैशटैग ट्रेंडिंग यूज कर लेना है। इसके बाद सिंपल यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।